चलो ना घर चलते हैं, अब बहुत लेट हो गया है। तुम्हें पता है ना मम्मी कितनी परेशान हो जाती हैं। चिल अलीशा, रिलैक्स। हम बोर्डिंग में पढ़ाई ही करते हैं ना। इतने टाइम बाद स्कूटी चलाने का मौका मिला है। वैसे मम्मी की टेंशन मत ले, मैं उन्हें पटा लूंगी। पक्का यार, ठीक है, टेंशन मत ले। दीदी आपको तो बहुत चोट लग गई। लगता है रोड पे किसी ने कीले फेंकी। कोई बात नहीं, उठो उठो आप। उठो। अच्छा जी कोई बात नहीं। टायर भी पंचर हो गया, क्या करें। दीदी आप पीछे हो जाओ, आराम से। Hi guys. Oh my God. I think there is a problem. एक मिनट मैं देखती हूँ। You guys need some help? किसी ने ना कीले फेंक दी होगी यहाँ पर, तो हमारी स्कूटी का टायर पंचर हो गया और हम गिर भी गए। Oh my God. यार आपको तो चोट लगी है। Can you do something? आप सिर्फ हमें इतना बता दीजिए कि आसपास कोई पंचर वाला है क्या? वो क्या है ना, हम पिंडली में बहुत दिनों बाद आए हैं तो हमें ज्यादा मालूम नहीं यहाँ का। यहाँ एक दुकान थी यहाँ पे, बट आई थिंक वो बंद है। 4-5 किलोमीटर आगे एक और दुकान है, तो समयरा। या ऑफ कोर्स, मतलब हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं और वी कैन ड्रॉप यू गाइस। बस 5 मिनट लगेंगे। अलीशा, हमें लोगों को जानते तक नहीं है, इनके साथ जाना सेफ रहेगा? दीदी इनके साथ लड़कियां भी हैं, और आपको कितनी चोट लगी है। हम कैसे स्कूटी लेके वहाँ तक जाएंगे? आप चल कैसे पाओगे, वो भी तो है ना। हम इनकी गाड़ी में चलते हैं, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके किसी पंचर वाले से हेल्प ले लेंगे। जतिन, क्या उनकी स्कूटी साइड लगा दे। हाँ थैंक यू। आराम से आ जाओ, आराम से आराम से। यहाँ इस मकान के पीछे गैरेज है, देख लीजिए अभी खुला होगा। बाय, थैंक यू। हमें तो यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कैसी जगह है यार। अलीशा, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें ना यहाँ से निकल लेना चाहिए। हेल्प चाहिए? चलो गेम खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। एक लड़की की आधी खाई बॉडी, और पिछले 1 महीने में ऐसे 3 केसेस हो चुके हैं, और तीनों के तीनों केसेस महाराष्ट्र के आसपास हुए हैं। और एक बात रणवीर, अगर इन पैरों के निशान को ध्यान से देखो तो देखकर लगता है कि ये पैरों के निशान बहुत अजीब है। ये देखो, ये है तो दो, लेकिन इंसानों से बहुत अलग। रणवीर, जिस तरह से शरीर को खाया गया है बहुत अजीब। बहुत कम जानवर ऐसे होते हैं जो पूरे शरीर को एक साथ खाते हैं। इन तीनों ही केसेस में सर के हिस्से को छोड़कर बाकी शरीर एक साथ खाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि उस जानवर की भूख बहुत बड़ी है। अगर उसकी भूख बहुत बड़ी है तो इसका मतलब दूसरे जानवरों के बनस्पत उसका पेट भी बहुत बड़ा होगा। कमांडर, एक फोन आया। हेलो रणवीर। व्हाट? पिंडली गांव? ओके, हम वहां पहुंचे। एक और हादसा हो गया कमांडर। पिंडली गांव के जंगलों में एक लड़की की आधी खाई हुई बॉडी मिली है, और उसकी बॉडी के पास ठीक ऐसे ही पैरों के निशान हैं जैसे यहाँ पे। क्या? हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। दीदी, ये कैसी आवाज थी? पता नहीं, मुझे बहुत डर लगा। जानना चाहती हूँ उस बॉक्स में क्या है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। You just wait and watch. Shani, it's time now. नहीं नहीं, क्या कर रही हो तुम? खुशबू को महसूस करें। बचाओ! 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 मजा आ रहा है? कोई है? कोई है? हेल्प! 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 क्या हेल्प चाहिए? मैं करूं? हेल्प? देखो, तुम भी तो एक लड़की हो, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज तो मेरे कहो ना, हमें जाने दो। क्या कहते हो? उसके पास लेके जाने से पहले थोड़ा सा मजा ले लिया जाए। What's up, guys? Having fun, are we? Yeah. But I'm so sorry. Actually, तुम लोगों के पास अब टाइम नहीं है। अब उसने इसका खून सूंघ लिया है। ये भी कोई बात है? मुझे तो टाइम चाहिए ना अपने डार्लिंग के साथ। अच्छा, तुम निकलो, तुम लोग निकलो यहाँ से, निकलो। जल्दी, रॉनी। और जतिन 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 वो बहुत भूखा है, उसे शांत करा। सुनो सुनो, इसे छोड़ दो, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये रोती रहती है। तो मेरे पास आओ। रोनी, एक और दो लोग को कैसे संभालेगा? पर आऊंगा मैं। प्लीज मेरी दीदी को छोड़ दो, हमें छोड़ दो ना, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। आराम से, बस दर्द हो रहा है। हाथ में दो, हाथ खोल दो। रॉनी खून, तुम लोग यहाँ खड़े हो और वो वहाँ पीछे के रास्ते से भाग गए, पकड़ो उन्हें। एक मिनट, हम लोग इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते वरना हम सबके लिए मुसीबत हो जाएगी, हमें इसे साथ में लेकर जाना होगा। या। वो हमारे पीछे आ रहे होंगे। दीदी 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 हमें जंगल के रास्ते से जाना चाहिए, यहाँ से जाएंगे तो वो लोग हमें जरूर पकड़ लेंगे। चल आराम से, हमें उन्हें पकड़ना ही होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तो उसकी भूख भी जाग गई है, अगर हमने इसे टाइम पे खाना नहीं दिया तो ये हमें भी नहीं छोड़ेगा। रॉनी फास्ट। स्टॉप 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 स्टॉप। ये देखो, ये जंगल में गए वो दोनों। चल 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 कूद। दीदी दीदी हमें हाईवे की तरफ जाना चाहिए, वहाँ हमें जरूर हेल्प मिलेगी। चलो हमें बच पाएंगे। नहीं दीदी हम जरूर बचेंगे, हिम्मत रखो दीदी हम जरूर बचेंगे। चलो आराम दीदी, चलो चलो दीदी 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 प्लीज हिम्मत रखो। आयशा मैं नहीं भाग पाऊंगी, ये काम कर हाईवे तक जा, वहाँ से मदद लेके। नहीं दीदी मैं आपको ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। आयशा तू अगर हाईवे पे जाएगी तो वहाँ से हम दोनों बच जाएंगे। तुझे जाना पड़ेगा, वो बॉक्स अपने साथ लेके चल रहे, उस बॉक्स में क्या हमें नहीं मालूम। किधर हो डार्लिंग? अरे हम भी बहुत थक गए, जल्दी आओ। कहाँ हो? सामने आओ। आयशा तू जा, मैं नहीं जा, तुझे जाना पड़ेगा। किधर हो डार्लिंग? कहाँ? मैं यहाँ पे सेफ हूँ, तू जा। तरफ गए तो अलीशा, वो रास्ता हाईवे की तरफ जाता है, दोनों वहीं गए होंगे। चलो आवाज आ रही। चलो चाहती है तेरे बदले में मुझे खा जाए। उसने तेरा खून चख लिया है, तुझे ही खाएगा, समझी? हाँ? बोल तेरी बहन कहाँ है? बोल बहन कहाँ है तेरी? बोल। नहीं बताएगी? हाँ? नहीं बताएगी तू? रॉनी, हमें इसकी बहन को ढूंढना होगा। हाँ? तुम जानते हो पुलिस के पास जा सकती है, हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। डोंट वरी शानी, पहले हम उसे इसे खिलाएंगे और उसके बाद इसकी बहन। But we don't have much time, Ronnie. Ronnie, इसका वक्त आ गया। Ronnie, वो वेट नहीं कर सकता, जल्दी करो। Ronnie, काम चल। Ronnie, चल, चल। कुछ नहीं करेगा तुमको, आज तुम बिल्कुल सेफ हो। जतिन क्या हुआ? तुझे